नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। लगभग 30 वर्ष के बाद शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुछ चार राशियां जो हैं जिनके जीवन में उनको तरक्की मिलेगी, कुछ ज्यादा तरक्की मिलेगी, व्यापार और नौकरी में अच्छा लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे ये चार राशि वाले जातक जातिकाएं। शनि क्या है? शनि कर्म के देवता है, शनि अच्छे हैं, शनि बहुत शुभ ग्रह है, मेहनत करवाते हैं लेकिन फल भी देते हैं। और आजकल इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहता है, उन्हीं लोगों के लिए शनि बुरे हैं। थोड़ा तो गले में खिचखिच है, इस वजह से आवाज में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो शनि देव कर्म के अनुसार फल देते हैं, बुरे करेंगे बुरे फल मिलेंगे, अच्छे करेंगे अच्छे फल मिलेंगे। तो कर्म सुधार लीजिए, शनि सुधर गए। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, धरती पर पड़ता है, धरती पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। तो न्याय के देवता शनि देव जो अपना अप्रैल में परिवर्तन करेंगे 29 अप्रैल को, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो यार लगभग 30 सालों बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान स्वयं की राशि में होंगे शनिदेव, तो आपके लिए क्या बढ़िया परिवर्तन लेकर आएंगे, आइए जानते हैं कौन सी वो चार पांच राशियां हैं जिनके जीवन में विशेष शुभ होगा। तो पहले से जानकारी मिल जाए तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शनि देव को कैसे प्रसन्न करना है इसकी जानकारी वीडियो के बीच में दूंगा। मेष राशि के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, कुंभ राशि में परिवर्तन होने से आप पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी, नौकरी में तरक्की प्रमोशन हो जाएगी, नई नौकरी मिल जाएगी, बहुत ही शानदार रहेगा। या गोचर आप अपना व्यापार करने की सोच रहे हैं तो व्यापार कर पाएंगे, रुका अटका पैसा आपको मिल पाएगा, शनि की कृपा से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। साल का ये एक बड़ा गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। शनि देव आपको बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, ना तो आपके ऊपर शनि की साड़स आती है ना तो ढैया है, तो करियर में अच्छी ग्रोथ लेकर आ रहे हैं शनि। आपके कार्य क्षेत्र में सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, लंबी उचान लंबी तरक्की का वक्त आ गया है, अब रुकना नहीं है। वृषभ राशि है अगली राशि, आपके लिए शनिदेव का गोचर शुभ फलदायी रहेगा। नए साल में आपकी शनि की दशा बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। 29 अप्रैल के बाद आपके करियर में तरक्की होगी, जॉब में प्रमोशन होगा, पुरानी नौकरी अच्छी हो जाएगी, नए बॉस मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मित्रता हो जाएगी लोगों से, बॉस से दोस्ती हो जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए अब हो जाएंगे। विदेश में नौकरी करनी है, अपने देश में अच्छी नौकरी करनी है, कोई भी सपना जो आपके करियर से जुड़ा हुआ है, आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आप जिस चीज से पैसा कमाते हैं उससे जुड़ा हुआ फैसला वृषभ राशि वालों का बेहतरीन रहेगा और पैसे में बढ़ोतरी होगी, आमदनी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सिंह राशि है अगली राशि, राशि के परिवर्तन से क्या होगा कि लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, घर के एसेट्स बढ़ेंगे, गाड़ी घर बंगला बढ़ेगा, राजनीति में सफलता मिलेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगा, उच्च पद मिलेगा, सरकारी नौकरियों में ऊंची तरक्की होगी आपकी, समय आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान ही बनता हुआ हर एक काम अब सफल होता हुआ हर एक काम और ज्यादा सफल होगा, काम जल्दी बन जाएगा, जल्दी सफलता मिलेगी, तकलीफों से मुक्ति मिलेगी, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, टेंशन से मुक्ति मिलेगी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सिर्फ बढ़िया ही कहेंगे। धनु राशि है, धनु राशि के लिए या साढ़े साथी से मुक्ति मिलाने वाला वक्त होगा, साथ ही साथ जाते जाते धनवान भी बना देंगे शनिदेव, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, पिछले दिनों के किए हुए प्रयासों में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति बेहतरीन हो जाएगी, नया व्यापार शुरू करना, नई चीज़ों को मार्केट में लेकर आना, नए निवेश करना, परेशानियों का अंत और जमीन वाहन का सुख, सोने चांदी का सुख, वाहन घोड़े गाड़ी का सुख आपको मिलने वाला है। तो ये जो राशियाँ हैं वृषभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, आपके लिए बढ़िया वक्त है। बाकी और राशियां हैं क्या उनके लिए और बढ़िया वक्त होगा, तब भी वीडियो का इंतजार करिए। आप लोग तो फिलहाल खुश हो जाइए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, बुरे कर्म नहीं करिए, माता पिता का सम्मान करिए, देश से प्रेम करिए, खुद से प्रेम करिए और जीवन में आगे बढ़िए, शनि देव कभी आपको बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। शनि न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, कर्म करिए और दुनिया के साथ न्याय करिए, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखिए, प्यार मोहब्बत से बात करिए, घर में लड़ाई झगड़ा मत करिए,
खुशहाली रखिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं या कोई अशुभ दोष बना रहे हैं या शनि चंद्र या शनि सूर्य की युति हो रही है तो समस्याएं आ सकती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान करने के बाद ही मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले अच्छे परिणामों की उम्मीद रखें। ताकि पहले देखिए कष्ट हैं, कष्ट तभी आएंगे जब कोई ना कोई गड़बड़ होगी। गड़बड़ अगर जन्म कुंडली में है तो उसको हटाइए, उसके बाद सफलता पाइए। वक्त अच्छा बना हुआ है, इस वक्त का आप फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने आपको बता दिया कि वक्त आपके लिए बेहतरीन है। अगर जन्म कुंडली में कोई समस्या वाले ग्रह बैठे हैं, परेशानी है, तो उनका निवारण करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ये काम जरूर करें, वरना ये वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। 30 साल बाद ये वक्त आ रहा है और कोरोना काल में बहुत तकलीफ हुई लोगों को, बहुत परेशानियां हुई, अब सबकी भरपाई यहाँ पे शनि देव कर देंगे। आप राशि वाले तो खुश हो जाए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और सही उपाय करके, सही वक्त पे करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा कर लंबी तरक्की पाए, अच्छी तरक्की पाए। नमस्कार। पैसे की चाहत हो, अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हो, अच्छे घर में शादी हो, नौकरी बड़ी कंपनी में लगे, पैसे अच्छे हो, सरकारी काम बन जाए, पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 बन जाए, परिवार में सुख शांति हो, शत्रु की बुरी नजर से बचे रहे, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा का साया ना हो, शत्रु 2 कदम दूर रहे, खुशहाली से जीवन बना रहे, वैवाहिक जीवन में अच्छे संबंध हो, संतान का सुख हो, शिक्षा का सुख हो, प्रेम संबंध में प्यार हो, मन चाहा साथी हो, मन चाहा खाने पीने की जगह हो, अच्छे वस्त्र हो, अच्छी यात्राएं हो, जीवन में सुखी सुख हो, ये सब इच्छाएं आपने आपके अंदर हैं, ये सारी इच्छाएं आपने अपने अंदर पाल रखी हैं। क्या ये इच्छाएं पूरी हो सकती हैं साल 2022 में? जी हाँ, हो सकती हैं। ये देखिए 2 रत्न हैं, एक रत्न को बोलते हैं लाजवर्त रत्न, दूसरे रत्न को बोलते हैं एडी। इन दोनों रत्नों को जब आप धारण करेंगे या अपने पर्स में रखेंगे तो जीवन में खुशहाली आ जाएगी, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, जीवन में खुशहाली, मियां बीवी के रिश्तों में प्यार। और यदि आपका दिमाग है कमजोर या आप सही से फैसले नहीं ले पाते हैं या आपको लोग ठग लेते हैं, बेवकूफ बना देते हैं, घाटा हो जाता है, तो ये दोनों रत्न आपकी किस्मत चमका देंगे। एक रत्न खूब पैसा देगा, एक रत्न आपको सुरक्षा देगा, यानी तिजोरी भी भरेगी और तिजोरी के बाहर सुरक्षा गार्ड भी रहेगा, किसी भी तरीके से कोई शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये दोनों रत्न अनमोल हैं, इनका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। ये दोनों रत्न आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 1,500 रुपये में। दोनों रत्नों का जो वजन होगा 10 कैरेट के आसपास होगा और ये कोरियर के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करके आपकी नाम राशि के अनुसार आपको भेजा जाएगा। महिला पुरुष बच्चे सभी पहन सकते हैं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे निश्चिंत होकर धारण कर सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा कर इनको धारण कर सकते हैं। तो अभी ऑर्डर करें, इनका कोड है L51। जल्दी ऑर्डर करेंगे, जल्द ही आपका शुभ समय शुरू होगा।